Hello everyone, I welcome you all once again to my education channel Prabhavi Education Hub, and in this video we are going to discuss about Paris Agreement. This took place in December 2015 in Paris, okay, and this was 21st meeting of Conference of Parties, COP, Conference of Parties, 21st meeting, and the name given was Paris Agreement. This is chapter 19.4, so make sure that you have also watched my previous videos, they are very important. And do subscribe to the channel if you haven't yet, then go to the subscription button and click it hard, and do also press the bell icon so that you can get the notification at the right time whenever I upload the video. So as usual, point wise padhte hain, so we will begin our study with the point wise study only. So let's begin. यहाँ पे पहला point देखिए, 21st conference था ये, Conference of Parties COP 21 under the UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change. ठीक है, United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC stands for, ठीक है। दिसंबर 2015 में ये हुआ था। Then second point है कि पेरिस एग्रीमेंट ऑन पोस्ट 2020 एक्शंस ऑन क्लाइमेट चेंज विल सक्सीड द क्योटो प्रोटोकॉल ऑल टू टेक एक्शंस। तो देखिए इसमें क्या है कि क्योटो प्रोटोकॉल अप टू 2020 तक काम करेगा, उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट क्योटो प्रोटोकॉल को टेक ओवर कर लेगा। क्योटो प्रोटोकॉल में बहुत सारे इश्यूज थे, उन इश्यूज को ये रेक्टिफाई करेगा। जो मेजर इशू था वहाँ पे ये था कि सारे जो देश थे मिल के एक्शन नहीं ले रहे थे, कई सारे देश इसमें एक्शन नहीं ले रहे थे, बट यहाँ पे जो भी पार्टीज़ हैं ऑल हैव टू टेक एक्शन, ठीक है। एंड क्योटो प्रोटोकॉल में बेसिकली टॉप डाउन अप्रोच था, ठीक है, जहाँ पे टारगेट दिया जाता था कि भाई आप इतना कम करो, आप इतना कम करो। इमिशन की बात करें तो इमिशन इतना कम करो, रिड्यूस करो, ऐसे करके टारगेट दिया जाता था। बट अगर बात करें पेरिस एग्रीमेंट की, तो ये जो है ये बॉटम अप अप्रोच कहते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या है, सारी कंट्रियों को कह दिया गया कि भाई आप अपना इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन बताएं हमें कि आप क्या कंट्रीब्यूशन देंगे। एंड ये अप्रोच यूनिक है, ठीक है, बिकॉज टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता था कि टारगेट दिया जाता था, वो अचीव करने को कहा जाता था, बट यहाँ पे इनको कहा गया कि आप खुद का अपना इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन बताएं। इंडिया ने ऑलरेडी सब इस पर काम करना शुरू कर दिया, इसको सबमिट करना होता है सबको, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सब जितनी भी हैं सबको एग्रीमेंट के तहत इसको सबमिट करना होता है, ठीक है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखिए इस एग्रीमेंट की वजह से फर्स्ट टाइम ब्रिंग्स टुगेदर ऑल नेशन फॉर कॉमन कॉज, दैट इज फाइटिंग क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को फाइट करना, कैसे लड़ना है, ठीक है, सस्टेनेबल कॉज के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे इट हैज़ प्रोविजन दैट इट विल होल्ड 2 डिग्री टेम्परेचर, 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं जाने देना है इनको अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। तो प्री इंडस्ट्रियल लेवल क्या है, जो भी लेवल 1760 से पहले थी। देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन से स्टार्ट हुआ था, पहले सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था, देन इट स्प्रेड इन वेस्टर्न कंट्रीज में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल द ब्रिटेन वॉज द कंट्री वेयर इट टुक प्लेस इन 1760 ऑनवर्ड्स। यहाँ पे हो गया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, बहुत सारे कारखाने वगैरह लगे थे, सब कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ गई थी ये कंट्री ब्रिटेन। तो उससे पहले ब्रिटेन से मतलब ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले जो एरा था जिसको प्री इंडस्ट्रियल लेवल कहते हैं, वहाँ का जो टेम्परेचर था उस एवरेज टेम्परेचर से 2 डिग्री ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा टारगेट इसमें लिया गया है। एंड इट हैज़ टू बी, ऐसा नहीं कि 2 ही डिग्री, इनफैक्ट ये भी हमने टारगेट लिया इसमें इस एग्रीमेंट में कि वी विल ड्राइविंग एफर्ट टू लिमिट इट इवन फर्दर 1.5 डिग्री। So we will put all the efforts to reduce it further up to 1.5%, यहाँ तक कम करने की बात की जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं ठीक रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ओनली मिटिगेशन नहीं है, यहाँ पे इट्स अ बैलेंस्ड अप्रोच है। पेरिस एग्रीमेंट जो है, यहाँ पे हम करेंगे क्या, हम नॉट ओनली मिटिगेशन करेंगे। मान लीजिए कहीं का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, कहीं पे ज़्यादा इमिशन है, कार्बन इमिशन है, तो नॉट ओनली हम कि वहाँ के कार्बन इमिशन को मिटिगेट कर देंगे, ऐसा ही नहीं है। हम लोग एडॉप्ट भी करेंगे, एडप्टेशन, मतलब कि हम लोग वो सारी कोशिशें करेंगे जिससे कि हम ऐसा एडेप्ट अपने आप कर लें कि हमारा जो इमिशन है वो फर्दर कभी इंक्रीज हो ही ना, जिससे कि हमें फिर से मिटिगेशन करना पड़े। वी विल ऑल्सो सी लॉस एंड डैमेजेस ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, क्या लॉस है क्या डैमेजेस है, तो वो भी देखेंगे। वी विल ऑल्सो सी द फाइनेंस पार्ट, कौन फाइनेंस करेगा, जैसे यहाँ इस केस में ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज़ को फाइनेंस करना है, ये मैंडेटरी है उनको फाइनेंस करना डेवलपिंग के लिए, डेवलपिंग को करेंगे ये लोग। ठीक है, डेवलपिंग को डेवलप्ड कंट्रीज फाइनेंस करेंगे। ये जो सारे गोल हमने सेट किए हैं इनको अचीव करने के लिए करेंगे, डेवलप्ड कंट्रीज फाइनेंस करेंगे। ठीक है, और डेवलपिंग कंट्री वॉलंटियरली जो कंट्रीब्यूशन करना चाहे वो करेंगे। ठीक है, देन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसफ़र, ये भी होगा। कोई कंट्री अगर एडवांस्ड है अपने मिटिगेशन प्लान में, अपना कार्बन इमिशन अच्छे से कम कर सकती है, तो वहाँ की जो भी टेक्नोलॉजी है इट शुड बी ट्रांसफर्ड टू द पार्टीज, अदर पार्टीज, जो भी बाकी पार्टियाँ हैं उनको भी वो पता चलना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसफ़र रेदर एल से कि एक यूनिक चीज़ है इसका। कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब कि नेशंस को अपनी कैपेसिटी इंक्रीज़ करनी है ताकि वो लड़ सके क्लाइमेट चेंज से। एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ एक्शन एंड सपोर्ट, तो जो भी एक्शन दिया जा रहा है वो छुपा के नहीं लेना है, क्लियर कट ट्रांसपेरेंसी दिखाना है, रिपोर्ट्स देने हैं। तो ट्रांसपेरेंसी एंड सपोर्ट ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इसका। आगे बढ़ता हूँ। देखिए मैं पहले ही बताया था आपको कि ये बॉटम अप अप्रोच है, जहाँ पे अलाउ किया गया है ईच नेशन टू सबमिट इट्स ओन नेशनल प्लान फॉर रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन। ठीक है, और पहले क्या था, जो क्योटो प्रोटोकॉल में था वो सारे नेशन को टारगेट दिया जाता था कि आप इतना कम करो, और उनसे कोई भी प्लान नहीं मांगा जाता था, जस्ट दे यूज टू गिव टारगेट अंडर दैट फ्रेमवर्क। बट ये यूनिक इसलिए है क्योंकि ये बॉटम अप अप्रोच था। क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो था टॉप डाउन अप्रोच था, तो टॉप डाउन अप्रोच से ये बेटर है क्योंकि यहाँ पे सारी जो भी पार्टियाँ हैं सबको अपना नेशनल प्लान बनाना है, जिसको कहते हैं INDC। ठीक है, नेक्स्ट सेलियंट फीचर ऑफ एग्रीमेंट, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या है। तो पहला जो सेलियंट फीचर है वो है डेवलपिंग कंट्रीज़ से रिलेटेड है। डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है उनको राइट दिया गया है, दे हैव गिवन राइट टू डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है कि उनके डेवलपमेंट को राइट ख़त्म कर दिया जाएगा जस्ट बिकॉज कि भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है एंड यू हैव टू कंटेन। सो बिकॉज डेवलपिंग कंट्री का कोई दोष नहीं है कि वो अब डेवलपिंग है, और उनको भी पूरा राइट मिलना चाहिए डेवलपमेंट का। ऐसा नहीं कि जो लोग पहले डेवलप कर गए और खूब सारा गंध तो नहीं खूब सारा कार्बन इमिशन, खूब सारा पोल्यूशन फैला के गए, जिनकी वजह से क्लाइमेट चेंज मेजर पार्ट है हो रहा है, वो तो डेवलप कर कर बाकी लोगों का राइट हटा दो कि आप चलो आपका राइट ख़त्म, क्योंकि अब डेवलपमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा कार्बन इमिशन हो चुका है, ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन हो चुका है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इस बात पे बोल के डेवलपिंग नेशन का राइट टू डेवलपमेंट नहीं ख़त्म किया जा सकता। तो यहाँ पे ये रिकॉग्नाइज किया गया है, वैसे इसमें कोई इशू नहीं है। डेवलपिंग कंट्रीज हैज़ राइट टू डेवलपमेंट एंड देयर एफर्ट्स टू हार्मोनाइज इट विद द इन्वायरमेंट। तो बट यही है कि थोड़ा सा क्लॉज ये लगा दिया गया है कि डेवलपमेंट करो बट यू शुड बी हार्मोनाइज योर एफर्ट्स टुवर्ड्स द इन्वायरमेंटल कंसर्न ऑल्सो। इन्वायरमेंट को आप ज़्यादा डैमेज मत करो बट आप डेवलप करो, देयर इज़ नो इशू। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड CBDRRC। CBDRRC पहले समझ लो क्या है, कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़। तो होता क्या है कि यहाँ पे इक्विटी की बात की जा रही है, सबको बराबर कंट्रीब्यूट करना है, बराबर वो करना है। बट इसको यहाँ पे ये पॉइंट समझने की कोशिश है कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़, क्योंकि देखिए सारे नेशन एक कैपेबिलिटीज़ की नहीं है एज फार एज द इकोनॉमी इज कंसर्न, एज फार एज द टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट लॉट ऑफ थिंग्स आर कंसर्न। सारे देश तो बराबर नहीं है, यूएसए का मुकाबला इंडिया नहीं कर सकता बिकॉज इट इज़ अ जायंट कंट्री। यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, हर चीज़ है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि कॉमन तो रहेगा, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब कि अगर जो अमीर देश है, डेवलप्ड कंट्री है, उसको ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना है, जो गरीब है, डेवलपिंग है, लीस्ट डेवलप्ड है, उनको कम करना है, ऐसा इसमें प्रोविज़न है। ठीक है, कंट्रीज विल सबमिट नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन दैट इज कॉल्ड एनडीसीज एवरी 5 ईयर। तो हर 5 साल में इनको कंटिन्यूस प्रोसेस है ये, एक 5 साल के लिए पहले इनको दे देना है इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, हर कंट्री को जमा करना होता है और 5 साल के लिए जमा करेंगे। फिर 5 साल के बाद दोबारा दे हैव टू प्रिपेयर एंड अगेन दे हैव टू सबमिट इट टू द अपना दिस UNFCCC। ठीक है, नेक्स्ट, it's not only a mitigation plan, it is also centric and includes other important elements। तो इस पॉइंट को यहाँ से समझ लो, जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया था मैंने कि ओनली मिटिगेशन नहीं है, यहाँ पे एडोप्टेशन भी है, लॉस एंड डैमेज भी है, फाइनेंस भी है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट भी है, ट्रांसफ़र है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वगैरह, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ एक्शन, सब कुछ है इसमें। तो नॉट ये ऐसा नहीं है खाली इसको ख़त्म करना है, हमें एडप्ट भी करना है चीज़ों को। ठीक है, बहुत सारे एक्शंस लेने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलप्ड कंट्रीज टू गिव फाइनेंशियल सपोर्ट। देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द फाइनेंशियल सपोर्ट देना है ताकि जो गोल हमने सेट किया है, यहाँ पे एक गोल सेट किया, ठीक है, मनी के मामले में एक गोल सेट किया गया है, बिकॉज इन सारे एक्शंस को कंप्लीट करने के लिए डेफिनेटली दे नीड मनी, और उस मनी को पूरा करने के लिए जो सोर्सेज हैं वो डेवलप्ड कंट्री को ज़्यादा पैसा देना है, फाइनेंशियल सपोर्ट। दे हैव टू scale up their financial support, to achieve the goal of jointly providing $100 billion by 2020। और ये जब 100 billion 2020 तक ये लोग प्रोवाइड कर देंगे by the support, this process do not stops here, यही पे ख़त्म नहीं होता है। In fact इसके बाद भी इनको देना होगा, again by 2025 they have to again contribute up to $100 billion। तो ऐसा करना है डेवलप्ड नेशन को, कितना वो लोग करते हैं वो एक मतलब आगे भी क्वेश्चन है, लेकिन ये सारे प्रोविजंस हैं इसमें। अब देखिए अदर पार्टीज़ जो कि डेवलप्ड के अलावा, तो दो बच जाते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ बच जाते हैं और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। तो डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को कंट्रीब्यूट करना है बट वॉलंटियरली बेसिस, ऐसा नहीं कि दे हैव टू हैव, उनको बस वॉलंटियरली करना है। अगर उनके पास है क्षमता तो डेफिनेटली दे विल, अदरवाइज देयर इज नो इश्यू। नेक्स्ट, इट इंक्लूड्स ए रोबस्ट ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क फॉर बोथ एक्शन एंड सपोर्ट। तो सबको अपना भाई डेटा बताना है कि आपने क्या एक्शन लिया एंड क्या आउटपुट रहे, सपोर्ट करना है। तो इट्स अ रोबस्ट ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क फॉर बोथ एक्शन एंड सपोर्ट। स्टार्टिंग इन 2023 एक ग्लोबल स्टॉक टेक विल टेक प्लेस, ग्लोबल स्टॉक टेक प्लेस होगा, लिया जाएगा ग्लोबल स्टॉक की क्या यहाँ से मतलब हर 5 साल में 2023 के बाद हर 5 साल में चेक किया जाएगा, एसेस किया जाएगा द कलेक्टिव प्रोग्रेस ऑफ जो हमने टारगेट ये सब सेट किया है ना, 2 डिग्री 3 डिग्री ग्रीन हाउस गैस को कम करना ये जो टारगेट हमने सेट किया है। और इनफैक्ट जो हमने हर कंट्री से मांगा है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, वो अचीव कर रही हैं कि नहीं, उसका स्टॉक ग्लोबल स्टॉक टेक होगा, मतलब उसको चेक किया जाएगा। 2023 के बाद ये स्टार्ट होगा, ठीक है, और हर 5 साल के बाद ये चेक किया जाएगा। एनडीसी जो भी कंट्रीज सबमिट करेंगी वो उन पर कितना एक्शन हो रहा है, इसका एक स्टॉक टेक होगा। ठीक है, नेक्स्ट, कंप्लायंस मैकेनिज्म ओवरसीन बाय ए कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स नॉन पनिटिव वे एंड इज फैसिलिटेटिव इन नेचर। तो देखिए इसमें क्या है, कंप्लायंस मैकेनिज्म। अब ये सारी बातें तो हमने कर दी, लेकिन क्या इसको कंट्रीज जो इसकी पार्टीज़ हैं जो COP 21 की, क्या इसको फॉलो कर रही हैं, क्या इसको कंप्लाई कर रही हैं? कंप्लाई करना मतलब इनके साथ एक्ट करना, इस इन जो भी टारगेट को के साथ एक्ट करना। तो क्या ये लोग कंप्लाई कर रही हैं कि नहीं, ये चेक करने के लिए देयर विल बी ए कंप्लायंस मैकेनिज्म। उसमें कौन लोग होंगे, तो एक कमेटी होगी एक्सपर्ट की जो कि चेक करेंगे कि वेदर कंट्रीज आर कंप्लाइंग द प्रोविजंस और नॉट। एंड वो ऐसा नहीं कि अगर चेक किया और पाया कि कंप्लाई नहीं किया तो किसी को भी पनिश कर दिया, इतना पैसा दे दो भाई, तो आपने नहीं किया तो आपसे पैसा ले लिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। दिस इज नॉन पनिटिव वे, बट दे विल ओवरसी, they will basically check the compliance by the different parties, but it is non-punitive way। ठीक है, कोई इसमें दंड का प्रावधान नहीं है। and rather we will call it as a facilitative in nature। कि ये help ही करेंगे, facilitation करेंगे, आपको सहायता करेंगे, ये कोई punitive नहीं है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। और कई लोग इसको ऐसा भी कह रहे हैं कि कंप्लायंस मैकेनिज्म बहुत वीक है क्योंकि ये नॉन पनिटिव है। तो ऐसा भी, इसको दोनों वे में लिया जा सकता है। एक तो मोटिवेशन के तौर पे लिया जा सकता है कि भाई चलो ठीक है, लिबरल है, और दूसरा ये कि भाई अगर ये मतलब कुछ कर ही नहीं सकते तो क्या फ़ायदा है इनका, ये भी ऐसे भी देखा जा सकता है। तो दो, किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं, वो यहाँ पर मैंने अच्छे से समझाया। मल्टीलेटरल क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस बिगैन इन मराकेश, मोरक्को इन मराकेश जो है वो मोरक्को में है, जिसको COP 22 कहते हैं, और ये 7 से 19 नवंबर 2016 में हुआ था। देखिए COP 22 क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 22वीं बार जो मिले, वो मिले मराकेश में। मराकेश है मोरक्को में। वहाँ पे मल्टीलेटरल क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन शुरू हुआ। वो ये है कि कंट्रीज़ से बात करनी इन्होंने शुरू की कि आप भाई कैसे रूल बुक बनाओगे, रूल एंड रेगुलेशन तो है नहीं, हमने बस ये टारगेट ले लिया है, लेकिन रूल एंड रेगुलेशन बनाओ ताकि पेरिस एग्रीमेंट के जो टारगेट हैं उसको पूरा किया जा सके। तो यहाँ पे मल्टीलेटरल क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन, मतलब मल्टीलेटरल मतलब कई सारी पार्टी जो भी मतलब COP 21 की पार्टीज थी, उनसे डिस्कशन शुरू हो गया कि भाई रूल बुक होना चाहिए। देयर मस्ट बी रूल्स एंड रेगुलेशंस विच कंट्रीज शुड फॉलो टू अचीव द एम डिटरमाइंड बाई पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट के द्वारा जो एग्रीमेंट डिटरमाइन किया गया है, तो कंट्रीज एग्री टू कंप्लीट एंड फाइनलाइज द रूल बुक बाई दिसंबर 2018, ये टारगेट लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मेजर टेक अवेज फॉर इंडिया फ्रॉम COP 23। अब देखिए COP 23 जो हुआ था 2017 में हुआ था। बोन वो शहर है जो कि जर्मनी में है। अब यहाँ पे क्या हुआ ये थोड़ा सा आप देख लीजिए, इंडिया के लिए क्या टेक अवेज रहा। तो एजेंडा ऑफ प्री 2020 क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट्स एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे एजेंडा सेट किया गया, एजेंडा बनाया गया कि भाई 2020 के बाद क्यों, हम पहले का क्यों नहीं टारगेट करें, क्योंकि वी आर इन 2018 एंड 2017, ये 2017 में हुआ था। तो 3 साल का हम टारगेट बनाएँ कि भाई क्लाइमेट चेंज में हमारा क्या एजेंडा रहेगा, कमिटमेंट क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, ये एजेंडा बनना चाहिए। ये 2020 के बाद बनाए। तो इन्होंने बोला कि इन्होंने एक और रीज़न दिया कि अगर हम अभी से काम करेंगे, 2017 से ही काम करेंगे, तो 2020 तक हमें बहुत सारा काम हमने कंप्लीट कर लिया होगा, और ये एक बेस बन जाएगा फॉर फर्दर कैपिटलाइजेशन कि भाई 2020 के बाद जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे फुल फ्लेज, तो ये एक बेस तैयार हो जाएगा जो हम 3 साल का काम करेंगे। तो ये डिस्कशन के इस आधारशिला पे ये एजेंडा सेट किया गया कि क्या कमिटमेंट्स और क्या इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। ठीक है, अब इंडिया का क्या, इंडिया एट द कॉन्फ्रेंस वाज एबल टू प्रिजर्व डिफरेंशिएशन टेकिंग ऑन पोजिशंस ऑन ऑल इम्पोर्टेंट इशूज़। तो इंडिया ने अपना पॉइंट रखा यहाँ पे, और अपना डिफरेंट जो डिफरेंशिएशन वाला जो उनका पॉइंट था, जो ये शुरू से ही रेज कर रहे थे हम लोग, वो सारा पॉइंट रखा गया, और अच्छे से हमने प्रिजर्व भी किया इसको, मतलब हमने प्रिजर्व किया, अपने हित में ही रखा। और रिलेटेड टू, अब क्या वो डिफरेंट पॉइंट्स थे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट सच एज नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, adaptation and communication, transparency in framework, global stock take, compliance, technology framework, finance and capacity building, prepared for further work on rules, modalities and guidelines. तो इंडिया का ये सारा पॉइंट था, इंडिया ने यहाँ पे अपना इन सारे पॉइंट्स पे नेगोशिएट किया और इसको प्रिजर्व किया, ठीक है। सो ओवरऑल दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, पेरिस एग्रीमेंट है क्या, ये टॉपिक समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और दोस्तों को तो बांट दो बिल्कुल ऐसे कट 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 आई मीन you know, social media where you can share these videos or you can share it by referring them on YouTube only, share option होता है उसमें, और लोगों को बताओ थोड़ा you know, दूसरों को भी बेनिफिट हो, मुझे भी अच्छा लगे कि भाई मेरे भी you know, मेरा भी एक बेस तैयार हो रहा है और people are watching because it's a great thing for an educator to grow with their you know aspirants, with their जो आप कह सकते हैं कि शीशे आप कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे पास ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं मेरे वीडियोस को देखते हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। एंड रिव्यू करो इन वीडियोस को, डेफिनेटली इनके बारे में बताओ कि कोई प्रॉब्लम है या फिर आपको अच्छा लगा तो क्या लगा, क्या इसमें मैं सुधार कर सकता हूँ, ऑल दैट थिंग्स यू हैव टू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय।